Hi guys, welcome all. Welcome back to my channel. I hope you all are having an amazing day. स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक और बार. मैं आई हूँ ग्लूटाथाइन के ही एक प्रोडक्ट के साथ. इससे पहले मैं उनका एक प्रोडक्ट का रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ जो कि है सीरम. मैं जिसको काफ़ी टाइम से यूज़ करी थी. उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं उसकी जो आफ्टर सीरम के बाद जो क्रीम है उसका रिव्यू ज़रूर लेकर आऊँगी. तो बस ये आज जो रिव्यू है उसी क्रीम के बारे में है जो कि है ग्लूटाथाइन स्किन वाइटनिंग क्रीम. काफ़ी अच्छी क्रीम है जो कि उस सीरम के बाद यूज़ की जाती है. अगर उस सीरम का वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लो, जस्ट बिकॉज इस क्रीम से पहले वो सीरम यूज़ किया जाता है. उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल. एंड इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस दी बेल आइकन फॉर ऑल दी न्यू अपडेट्स. एंड प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को भी लाइक करें. जो क्रीम है इसके अंदर तीन कुछ खास ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूजली हमें साथ में मिलते नहीं है, बट इस क्रीम के अंदर वो तीनों इंग्रेडिएंट्स साथ में है. एंड जो मैंने ग्लूटा लाइट सीरम का रिव्यू किया है उसके अंदर भी तीनों को इंग्रेडिएंट्स साथ में थे. एंड वो तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के लिए काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि हम हमारी स्किन को मतलब होता है ना यार कि पानी ज़्यादा इंटेक कीजिए, फ्रूट ज़्यादा खाइए अपनी स्किन को विद इन से ग्लो करने के लिए, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल. कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उन सारी चीज़ों की वजह से वो जो लाइफ स्टाइल जो हमारी स्किन के लिए होता है वो हम फॉलो नहीं कर पाते. तो हम अपनी स्किन को हेल्दी फूड मतलब जो होता है ग्लूटाथाइन, कोजिक एसिड एंड विटामिन सी तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं. तो बस वही तीनों इंग्रेडिएंट्स इस क्रीम के अंदर है जो कि आपको इस सीरम के बाद अप्लाई करनी है. आप मतलब लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सीरम का रिव्यू का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर चेक करना. तो चलिए इस क्रीम के बारे में बात करते हैं. इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, कार्डबोर्ड की इसकी पैकेजिंग है. ये जो क्रीम है ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है सारी स्किन के लिए, मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन ऑयली है तो आप यूज नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, तीनों स्किन के लिए ये चलेगा. एंड सबसे लास्ट में ये जो क्रीम है वो क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन है, ईजिली सबके लिए है, मतलब सब यूज कर सकते हैं इसको. बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की, तो कुछ इस तरीके का इसका जो है वो प्लास्टिक का टब है. इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी 50 ग्राम जिसकी क्वांटिटी है. एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है जब आप इसको ओपन करेंगे एंड आपको जब पता पड़ेगा इसकी फ्रेग्रेंस कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, मज़ा आएगा आप इसको यूज़ करने में. अमेजिंग, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसकी फ्रेग्रेंस. ऐसा जो कुछ परफ्यूम्स डियो होते हैं कुछ इस तरीके की फ्रेग्रेंस है, काफ़ी मस्त है. ये जो क्रीम है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, लाइट बेज कलर है एंड काफ़ी अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है जैसा कि मैंने आपको बताया. इसका टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, आपकी स्किन में काफ़ी ईजिली ग्लाइड हो जाता है. आपको करना क्या है मैं इसको अप्लाई करने का तरीका आपको बता दी. पहले तो आपको अपना फेस ऑब्वियसली क्लीन करना ही है, देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है सीरम, ग्लूटालाइट सीरम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर वीडियो नहीं चेक किया रिव्यू वीडियो तो ज़रूर चेक कर लेना. देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है जो ग्लूटालाइट जो क्रीम है जिसका ऑलरेडी मैं रिव्यू कर रही हूँ, वो आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे. दो तीन मिनट तक आपको सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड सर्कुलर मोशन में मसाज करना है. काफ़ी इजीली ये जो क्रीम है वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा. ये जो क्रीम है वो आपको अप्लाई करना है दिन में मतलब दो बार, एटलीस्ट टू टाइम्स आफ्टर दी सीरम. सो बस काफ़ी अच्छा सा आसान सा तरीका है इसको अप्लाई करने का. अब बात करते हैं कि जो क्रीम है वो बेनिफिट्स क्या क्या देती है, मतलब हम यूज़ तो कर रहे हैं यार बट इसके बेनिफिट्स क्या है ये भी तो पता होना चाहिए हमें. तो यार सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, ये जो क्रीम है वो नेचुरल स्किन केयर में आ जाती है जस्ट बिकॉज इसके अंदर कोई भी पैराबिन नहीं है, अनलाइक अदर स्किन वाइटनिंग क्रीम्स. इसके अंदर आपको पैराबिन नहीं मिलेगा. एंड द सेकेंड बेनिफिट इज दिस कि इसके अंदर ग्लूटाथाइन एंड कोजिक एसिड विटामिन सी, ये तीनों चीज़ें हैं जो कि आपका जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो कम करता है, जिससे कि जो आपके फेस पे पिगमेंटेशन है कहीं डार्क हो रहा है कहीं मतलब वाइट है, तो वो जो पिगमेंटेशन है उसको दूर करता है. सबसे अच्छा बेनिफिट तो यही है यार पिगमेंटेशन का, क्योंकि सबको प्रॉब्लम रहता है तो वो पिगमेंटेशन को ये जो है वो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है. एंड जो थर्ड बेनिफिट है वो है विटामिन सी का, जो पूरे हमारा ये जो प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन है उस पर चार चांद लगा देता है, जो कि एक ग्लो ला देता है. विटामिन सी काफ़ी अच्छा एजेंट होता है ग्लो लाने के लिए, तो इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है जो कि आपके फेस पे अच्छा सा ग्लो लाएगा. तो ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं. और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बट ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स लाते हैं हमारी स्किन पे. ये जो प्रोडक्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी यार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए. 100 में से दो तीन प्रोडक्ट्स, चार प्रोडक्ट्स ही हमारी स्किन पे काम करते हैं, उसमें से ये एक प्रोडक्ट है जो मेरे लिए काम किया है, जो ग्लूटाथाइन का सीरम भी है एंड क्रीम भी, जो मैं दोनों ही काफ़ी टाइम से मतलब एक साथ यूज़ कर रही हूँ. एक साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है इन दोनों का, इसलिए मैं इनको एक साथ यूज़ कर रही हूँ. तो दोनों का ही रिव्यू हो गया है, अगर नहीं देखा अभी तक तो चेक कर लो. मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ये दोनों ही प्रोडक्ट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज़ मेक श्योर टू चेक
out the products. And yes guys, that's it for this video. If kuch bhi pasand aaya ho, please make sure to like, share, subscribe and stay tuned. Bye bye.